गिन लेते हैं ना। कट्टी कितना तक आया एक मिनट कर रहा जी एक मिनट 30, 40, 41। इन्होंने कहा बीच में दो कमजोर भी है ना, ये कह रहे थे कि बीच में दो तीन जो कमजोर है ना वो शामिल नहीं है, वो शामिल नहीं है। अब इसमें ये 38 केड़ा वा ये वाइट 38 है। बना तस्वीर इसने जरा उधर पर और पीछे जा नहीं है चिट्टा वो कटिया ये दफा नंबर क्यों नहीं लाए वो बड़ी उच्ची गल करना जी मेरे ने मतलब उच्ची नहीं गल करने की जरूरत नहीं, मतलब मैंने 85 दिखाया है। अब ये हर जानवर में 7 हिस्से हैं। 7 हिस्से अच्छा, तो इसमें आपको नहीं लग रहा कि कोई ये थोड़ा सा जो उसके मुकाबले में या उसके मुकाबले में थोड़ा कम लग रहा है? कम है ना, कम है ना। अच्छा देखे ना, अब आपके सामने ये बड़ा है ये कमजोर है, 7 हिस्सों वाला है। आप स्टार्ट के 2-3 बैल देखे वो मुझे बता दो, 5 मन है। मैंने इसको यही मशवरा दिया, मैंने कहा आपने अगर 25,000 रुपये दिया 10,000 रुपये और डालो अपने घर करो बकरा तको ना जी 5,000 और। अब ये देखो हमारा नंबर इधर आ रहा है ना, असल ना ये अठू समझ के ना गोदी चसा माहौल पैदा हुए ना जिधर ये मदरसा तक जानते हैं ना हमारी शुरुआत। अब मुझे आप एक बात बताए, इस ये जो खड़ा है ये, अब ये भी 7 हिस्से होगा, स्टार्ट वाला भी 7 होगा, तो इसमें जमीन ये 3 मन नहीं है और वो 5 मन है। 5 मन है इसमें साफ लगाएंगे कितने का? इतना ही बड़ा ये बनोई इधर चनेल में दे रहे हैं 1-30 का। नहीं नहीं ये 30 का भी नहीं होगा, ये इनको मिला होगा 1-10 का 1-20 का मुश्किल से। ये लाख रुपए ना बेड़ा देता मणे ऐसा लिया ये ला एला इतना अच्छा ये वाइट जो है ये जेड़ा लाख रुपए स्टार्ट वाला तो बहुत बड़ा है ना। देखो मेरी सुने 45 जानवर है, 45 को 7,000 रख दो। आप इस तरह करना कि 45 को 7,000 रख दो, 45 को आप 7,000 रख दे, 45 जानवर और 7 हिस्से ये 52 है। अब 25,000 को 52,000 दे, देखते हैं कितने लाख बनते हैं। अब ये ज़ीरो करें ना, इसको ज़ीरो करके ना 52, अब 52 लिखे 52 और ज़रबे 25,000 अब ये नीचे कितना आ रहा है? 1,30,000 आ रहा है तकरीबन। जगह भरना नहीं है, ठीक है ना?
एक जानवर ना वही ऐसे हम अल्लाह गुनाहगार ना करें, एक जानवर जो लोगों को पढ़ रहा है ना साथ ही से वो 175,000 का पढ़ रहा है। लेकिन इसमें कसाब कितना ले लेते हैं आजकल एक जानवर का? 10,000 का छोड़ो, 10,000 का 25,000 मगर इकट्ठे भी ना, इकट्ठे आना तो फिर घाटा होना सी नहीं, बड़े जानवर का 25,000 ले लेते हैं। ज़बा कर रहे हैं जी, गोश्त बनाने साजी वही गल, ज़बा अगर कल्ला है ना चमड़ा हो या सारा 25,000 है तो अगर कठे हो मन फर्क करो 10 है तो 15,000 वो तो नहीं ना जी, और 6-2 15,000 रुपया कितना डंगोर बनाने? नहीं नहीं वो तो ये तो ज्यादा जानवर है ना, इसके लिए जो भी हिसाब आएगा तो कम लेगा ना, इतने नहीं लेगा। चलो अगर रेट 25 भी है तो ये इसका 15 लेगा वो, 15 ये है ज्यादा ना। देखो आप ये चीज नहीं ना, खतरे में पीछे नहीं नजर मारी मैं, स्टार्ट एक 60 करी छो, अगर कसाब ना एक जानवर चू तो 15,000 कडो, एक 60 ही बढ़ना ना, एक 75 बनना ना, इस तरह एक 75 बनना है ना, तो आप वो माइनस का 160 बनता है, 1,60,000 रुपए माल पता पता लाना माल है, ये माल इधर है ना, हम तो पी है अगली बारी को इतना ही करना है, अपना दादी का करना है 60 होंगे। अच्छा 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 चार मन बनाया वो कोई नहीं छोड़े, वो तकरीबन ये 44 है, उसमें बीच में से देखा आप जो निकली हुई है ना वो साइज में कम है, मेरे ख्याल में वो इंक्लूडेड नहीं है, आप सपोज एक उसको माइनस कर दे, वो ये एक छोटी साइज का है, तो जो बड़े साइज के बैल जिस तरह नजर आ रहे हैं ये लहिया से, ये जो बंदा है ना सारा कटे लहिया से लेके आया है, उसका फॉर्म है अपना ना, उसका फॉर्म है तो वो लहिया से इकट्ठे लेके आया है, और वो मुझे कह रहे हैं जो स्टार्ट वाला बैल है 180 का है, 1,80,000 का, अब ये जो हर बेल में मेरे ख्याल में ना कुछ 7 हिस्से हैं, तो जो कस्टमर को तो ये तकरीबन 175 का पड़ रहा है ना, ठीक है ना, फिर उन्होंने इसमें तकरीबन 22 कसाब भी उन्होंने बुलाए हुए हैं कल, ये तो इनका तो स्टार्ट में आएगा, हमारा तो शायद 4-5 बजे के बाद ही कोई नंबर आएगा, मेरा खुद 39 है उधर ही है, मैंने लास्ट ईयर किया था तो मेरा नेक्स्ट डे मुझे मिला था कोई 1 बजे, मतलब वो मैंने रखा ही एक दिन नहीं, नहीं वो मज़ा ख़राब हो जाता है, नहीं 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 वो मैंने रखा ही एक दिन पहले था, पहले हमारा प्रोग्राम था, आप कहाँ रह रहे हैं? मैं इधर हॉस्टल सिटी में रहता हूँ। अच्छा ठीक है, करीब हूँ एरिया में हूँ, पहले हमारा प्रोग्राम था 2-3 पड़ोसियों का, अच्छा में ना हमने मैनेज करना मुश्किल हो रहा था, अच्छा हमने फिर छोड़ दिया, अच्छा इधर इनके साथ रखा, अभी मैंने पहले दिन ही रखा तो नंबर, अच्छा आपका ये कहे मुझे ये कहते कि 40 एनिमल्स पहले दिन हो जाते हैं। अच्छा तुसी भाई साहब बैठे हो जी, तुसी भी हिस्से वाले हो, हिस्से ले शामिल हैं, ये इधर जो बंदा है ना मैं उसे मिलवाता हूँ, उसको बड़ी इन्फॉर्मेशन है, ये जो वो एक बंदा है ना उधर, वो कहते हैं ये मैं मेरा फॉर्म है मैं ही ले कहता हूँ हर साल, ये तकरीबन 40-50 जानवर, ये बड़ी ही मेहनत वाला काम है, बड़ी ही मेहनत वाला काम है, मेरा नेटिव भावनगर है, अच्छा मेरे बड़े भाई का अपना फार्म है, अच्छा अच्छा हमारी अपनी ज़मीन है, सही है, उसके 2 डेयरी फार्म है, एक उसका शहर के साथ है जो डेयरी मिल्क का है, अच्छा गांव में उसका इसी का है, तो आप अपने भाई से एक छोटी सी कोई 2 साल की मंगवाते हैं? नहीं नहीं मेरा गांव यहाँ से 750 किलोमीटर है, अच्छा अच्छा उस पर किराया इतना आता क्या? नहीं देखे बकरे ये लोग करते हैं कि उसकी डेवो या उसकी स्काईवे की डिग्गी में डाल के ले आते हैं, अच्छा। उसमें 50-50 चांस होता है ज़ख्मी हो जाए, हाँ। या बच जाए, हाँ।
इस जानवर को तो लाने के लिए गाड़ी चाहिए, ट्रक ट्रक चाहिए बड़े बड़े। 750 मेरा गांव यहाँ से 750 किलोमीटर मेरे बुजे पागल कराची के आधे बुजे मतलब पागल कुत्ते ने काटा है। मैं मेरे 3 ऐसे हैं तो मैं उसके लिए वहाँ से जानवर करूँ वो आपको बहुत महंगा पड़ेगा। मैंने कहा रेंट इतना आएगा कि हमारा वो फार्म जो है वो 12 कनाल हमारी जगह है। अच्छा। और प्रॉपर उस पर हमारे शेड बने हुए हैं। अच्छा। उसमें घोड़े भी हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आपका भाई बेच भी देता है इन दिनों में वही कुर्बानी में? वो उधर से ही बेच देता है, वो मंडियाँ छड़ियाँ में नहीं जाता। अच्छा। यानी वो कह लें कि वो मेन मतलब फीडर फार्म है। ठीक है। फिर ये लोग वहाँ से जाके कलेक्ट करते हैं। ठीक है। आप कोई जॉब शॉप करते हैं सरकारी? मैं तो रिटायर हो चुका हूँ जी। किस चीज़ से? मैं फेडरल गवर्नमेंट से रिटायर हुआ हूँ, फेडरल सेक्रेटेरिएट में मेरी सर्विस थी। अच्छा अच्छा सही है। मैं खुद एटॉमिक में होता हूँ। अच्छा इधर है पेनिस्टिक में आप? नहीं ये नेस्काम नहीं अपना। अच्छा स्पीडी में होता हूँ। अच्छा ठीक है ठीक है। तो बैरिया को अक्सर चक्कर लग जाती है बच्चों को लेके आता हूँ। उधर हमारे मेरे एक डॉक्टर शहीद पड़ोसी जी जी वो बीच में बेच गया, लेकिन हमारे मतलब मोहल्ले में 5-7 लोग हैं उसके एटॉमिक एनर्जी के। जी जी अच्छा अदारा है। मैं तो एज डेप्टी सेक्रेटरी रिटायर हुआ हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। आप लोगों का अदारा एसपीडी मतलब बेस्ट पेड़। हाँ बहुत ठीक है। बस मैंने खुद ये कंप्यूटर साइंस में पीएचडी की थी काम सेट से। अच्छा। तो बस उस से करते करते मैं घर भी इधर ही ख़रीद लिया। अक्सर लोग कहते हैं कि यार इधर क्यों रह रहे हो? मैं कहा यार इस्लामाबाद एक ग्रीनरी है, मुझे पसंद है, अच्छा है, बंदा थोड़ा जाता है सरीन की तरफ जाता है। ये मैं अक्सर ये आ जाता हूँ, ये पार्क यू सिटी नया बन रहा है उसमें चक्कर लगा लेते हैं, बैरी आ जाता हूँ, बड़े अच्छे वो पार्क बने हुए हैं। तो मतलब मैं ऐसे कहूँ मेरे पास तो इतने पैसे नहीं थे कि मैं जी 13-14 में। वो नहीं वो तो महंगे जगह है ना। अगर मेरे पास उतने पैसे भी होते सही तो मैं बहाना बनाता। सही बात है। मैं यहाँ बाहर बनाता। मैं तो देहाती आदमी हूँ बिल्कुल, मैं तो बाहर खुश हूँ।